संसद में आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात रखते हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता है हनुमान बेनीवाल, जो संसद में आरक्षण मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं। दिल्ली से लगाव सीधा हुआ और मैं धन्यवाद दूंगा मानव संसाधन मंत्री जी को कि ये जो 2017 के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरक्षण के अंदर रोक लगाई थी केंद्रीय संस्थाओं के अंदर, इस पर आप 7 मार्च को अध्यादेश लेके आए 19 को, और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर SLP दायर की सरकार ने, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब SLP आपकी खारिज हो गई, तो आप यहाँ पार्लियामेंट के अंदर विधेयक लेके आए, मैं बधाई दूंगा। और लाखों उन SC ST OBC के देश के जवानों की तरफ से और हम सबकी तरफ से प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया, और प्रधानमंत्री जी की जो एक जिद करके दुनिया बदलने की हिम्मत कि भाई कोर्ट में आगे देने फिर मैं विधेयक लाऊंगा, और कई विधेयक पिछले 5 साल के अंदर लाए और उन्होंने परवाह नहीं की, जो कहा वो कर दिखाया। इसके अंदर जो उद्देश्य इसके अंदर लिखे हैं, इसमें मेरे से पूर्व वक्ताओं ने करीब करीब इस विधेयक पे जोर दिया, लेकिन मुझे शर्म आती है कि कांग्रेस पार्टी तो SC ST OBC के नाम से 60 साल वोट लिए और खाली अखबार में छपने के लिए हर विधेयक का विरोध करो खड़े होकर, इनको पता ही नहीं क्या चाह रहे थे, वो क्या चाह रहे थे भाई, पक्ष में थे नहीं, मैंने कहा पक्ष में होंगे तो बताओ आप वोट किस साइड में, क्या नहीं है तो किस साइड में, अखबार में बोल रहा आधा घंटा 20 मिनट सबको हमें झेलना पड़ता बार बार इन लोगों को। सभापति महोदय, इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शक 2006 के खंड उपबंध गये और खंड 8 के उपबंध में ये प्रावधान है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षक पदों में आरक्षण रोष बिंदु का अवधारणा करने के लिए कार्डर या यूनिट का आधार विश्वविद्यालय महाविद्यालय होना चाहिए, वो विभाग नहीं होना चाहिए, जिससे कि SC ST OBC का आरक्षण सुरक्षित रहे। इसके लिए मंत्री जी ने बुलाई, ये भी सही बात है कि 7,000 पदों में भर्ती होनी है और 7,000 पद। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए, हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल।